तालियों के लिए एडवांस थैंक यू। थैंक यू कंटेस्टेंट, थैंक यू जजेस। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, आपने डांस देखा, अच्छा लगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं रेमो जी से आगे निकल जाऊंगा। नहीं नहीं निकला हूँ, पूछ लो सर। सिग्नल पे आप गाड़ी में थे, मैं साइकिल में, आप फंस के मैं आगे निकल गया, निकला ना सर? निकल। लेकिन यहाँ पे आके मेरी कदर नहीं की, मैं एक स्ट्रगलर हूँ। बाहर आया कहते चलो बाहर, मैं कह क्यों, डांस का प्रोग्राम है, हम डांसर है, रखो। कहते नहीं आप डांसर नहीं है, कुछ नहीं है, डांसर तो पैदा होते हैं। तो हम क्या गमले में हो गए यार, पहले डांस देख तो लो, हो सकता है मैं इतना खराब करूँ, आप रख लो। कहते नहीं ये झलक दिखला जाए ऐसे डांसर नहीं, यहाँ पे चलते चलो बाहर। फिर कहते ये बड़ा बदतमीज है, कहते चैनल वाली को बुलाओ। मनीषा जी आ गए, मैं कही ये लगती नहीं चैनल वाली, इसके हाथ में सिगरेट ही नहीं है। आप तो ऐसे ताली भी आ रहे हो जैसे है नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, फिर मेरे को लगा ये चैनल वाले हो सकते, क्योंकि कोई तो काम किया इन्होंने चैनल वाला। सर आप जजेस हैं, मैं एक छोटा सा स्ट्रगलर हूँ, आप मुझे मौका दो। मैं जिस चैनल पे गया हूँ मुझे मौका नहीं मिला। मैं इंडियन आइडल में भी गया था, बाहर बंदूक लेके बंदा बैठा है। मैं क्या सुरीला प्रोग्राम, कलाकार, संगीत, ये बंदूक का काम क्या है? कहते हम डरते अंदर कोई सुरीला बंदा ना चला जाए। फिर मैं खतरों के खिलाड़ी में गया, बाहर गाड़ी लगाई अंदर गया, रोहित शेट्टी साथ, मैंने पाँव पकड़ लिए, मैं कहा सर मुझे रख लो। कहते आप रहोगे, आप जा ही नहीं सकते। मैं कहा क्यों? कहते बाहर आपकी गाड़ी तोड़ दी है। उनका काम ही गाड़ियाँ तोड़ना है, उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ दी। शुक्र है इन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा। आप बड़े अच्छे लगे दोनों, थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, दोनों इकट्ठे रहो। अरे सर ये बुजुर्ग कर दिया आते मुझे, लेकिन इन्होंने मुझे रख लिया है, बड़ी इज्जत दी है मुझे कलर वालों ने। आप सबको एक एक पेनल्टी मिली होगी, मुझे 4 मिली। मैंने कहा मुझे एक ही दो, मैं एक दिन में एक ही साफ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर मैं स्ट्रगलर हूँ, बड़ी मेहनत की है सर। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे प्रेस वाले आए हुए हैं, ये कैसी बातें कर रहा है। यहाँ पे कोई प्रेस वेस नहीं है, सब झूठ है। यहाँ पे सिर्फ ऑडिशन हो रहे हैं, इनका एक बहाना है, एक एपिसोड फ्री में करवाना है, ये सब समझता हूँ मैं, क्योंकि इनका तो ऑडिशन हो चुका है। सर आपका हो रहा है कि ये कैसे कमेंट्स देते हैं, आप कैसे दिस इज ईंट मारते हैं, आप कैसे कॉफी पीते हैं सर, आप कैसे